मध्य मैडम, अमृत नगर पे कुछ आपने क्या पढ़ा वुमेन्स डे पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो पिछली बार हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन 1.5 लाख वुमेन मुमरा कौसा की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ एक रैली निकाली थी, माय हिजाब माय प्राइड। उस टाइम पर वो जो मुद्दा था वो उठा था कि कर्नाटका में लड़कियों को हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा था कॉलेजेस, यस नहीं पहनने दिया जा रहा, बैन कर दिया था। वो टाइम बहुत चला था, तो हमने उस टाइम से शुरू किया था माय हिजाब माय प्राइड, बिकॉज हमको पता था कि ये शुरुआत है, अभी काफी सारी जगह पे ये चीज ये लोग करेंगे, तो इसलिए हमने किया था। तो हम उनको क्रॉस पे जाके उनसे वहां पर भिड़ नहीं सकते, बट हम अपने ही स्टेट में हम हिजाब को अपलिफ्ट तो कर सकते, एक पॉजिटिव तरीके से हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर सकते, एक मैसेज दे सकते। हर कोई अलग अलग तरीके से करता है ना, कोई कुकिंग कॉम्पिटिशन से करता है, कोई किसी चीज से करता है, कोई किसी चीज से करता है। तो हम इससे कर सकते हैं कि हिजाब पहनना हमारा राइट है, हमको अगर पहनना है, जिनको जिन महिलाओं को पहनना है वो पहनेंगी। तो उसके लिए हमने अभी आज कैसा था, आज बड़ी कल बड़ी रात थी, आज बड़ा दिन था, लोगों के रोजे थे, तो बड़ा दिन का एहतराम करते हुए हमने वैसी बड़ी रैली नहीं निकाली। तो हमने मगरिब के बाद, रोजे के बाद, आज हमने जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको हमने स्कार्फ्स बांटे, मदरसे में स्कार्फ्स बांटे, और उसी तरीके से हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। हमने 700 जी, देखिए अभी हम लोग मैं आपको वही कह रही हूँ, अभी हम लोग एक शॉर्ट नोटिस पे हमको करना था, क्योंकि हमारा अभी परसों तक फेस्टिवल चल रहा था, अभी कल बड़ी रात थी, आज बड़ा दिन, तो हमको सेलिब्रेट तो करना ही था वुमेन्स डे। तो हमने 700 to 800 स्कार्फ्स बनवाए हैं, अभी हम लोग ने उसमें मदरसे में बच्चियों को भी बांटे हैं और मुमरा कौसा की महिलाओं को भी बांट रहे हैं। यस, आज के दिन ही बांटे? जी, नहीं आज ही के दिन भाई, आज ही वुमेन्स डे है ना, आज के दिन, आज ही के दिन।